हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। रिक्वायरमेंट के बारे में बात की जाए तो आज की बहुत सारी अपडेटेड रिक्वायरमेंट आ चुकी है। वीडियो एंड तक देखना, वीडियो मिस मत करना क्योंकि आपकी सूटेबल जॉब जो है मिस हो जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर से आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ सबसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है, कुवैत के लिए रिक्वायरमेंट है, रेस्टोरेंट का प्रोजेक्ट है ये। सर्विस क्रू, किचन क्रू, डिलीवरी ड्राइवर विद गल्फ़ का लाइसेंस होना चाहिए। एज 22 से लेकर 30 दी गई है। प्रीवियस का गल्फ़ का रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए फास्ट फूड का। और आके इसमें से जो एक्सपीरियंस मेन सेम फील्ड का होना चाहिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनेशनल ब्रांड्स का और सेम गल्फ़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश में अच्छे होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आप फॉरवर्ड कर दीजिए, ईमेल आईडी है ऑफिस का, मेल कर सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट। 1000+ रजिस्टर ऑफिस है, मुंबई के अंदर ऑफिस है ये रिक्वायरमेंट। सऊदी अरेबिया के लिए रिक्वायरमेंट है, अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है। फूड कंपनी का जॉब है सऊदी के लिए। कॉमी इटालियन कॉन्टिनेंटल एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1800 सऊदी रियाल सैलरी ऑन ड्यूटी मिल मिलेगा। पैसरी कॉमी सैलरी नेगोशिएबल है, अच्छी सैलरी मिलेगी इसमें से। एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए और इंग्लिश में अच्छे तरह आपका कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, बात करना आना चाहिए। एज 25 से लेकर 35, डॉक्यूमेंट्स आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, सारा कुछ डिटेल है। और ईमेल आईडी है इनका, कॉन्टैक्ट नंबर है, ऑफिस का नेम भी दिया गया है, हमदान ग्लोबल ऑफिस का नेम है। अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर फॉर लीडिंग कंपनी का जॉब है बहरीन के लिए। HR एग्जीक्यूटिव, अकाउंटेंट पेएबल, अकाउंटेंट रिसीवेबल्स, असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एयरपोर्ट का, मेंटेनेंस का, बैचलर डिग्री होना चाहिए और इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। CV, पासपोर्ट कॉपी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इनको मेल कर दीजिए। ईमेल आईडी मेंशन किए, कॉन्टैक्ट नंबर है, ऑफिस इनकी कुरला वेस्ट मुंबई के अंदर है। ये निस्मा पार्टनर्स कंपनी का जॉब है। वॉकिंग इंटरव्यू 3 से स्टार्ट हो चुका है, 7 तक इंटरव्यू रहेगा। इनकी हेड ऑफिस पर मुंबई में फोर्ट में, ITL ऑफिस पर, इंटरनेशनल ट्रेड लिंक्स, मेल आईडी है, कॉन्टैक्ट नंबर है, टोटल ऑफिस का एड्रेस है। सऊदी अरेबिया का लॉन्ग टर्म्स का प्रोजेक्ट है ये, जाके 24 से लेकर 40 दी गए इसमें से। इसमें से इनको चाहिए इलेक्ट्रिशियन, असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन, पाइप फिटर, प्लम्बर, असिस्टेंट पाइप फिटर, असिस्टेंट प्लम्बर, लीड मैन, डक मैन, असिस्टेंट डक मैन, प्लम्बिंग लीड मैन, फॉरमैन इलेक्ट्रिकल, इंसुलेटर और सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट इंसुलेटर, पाइपिंग फॉरमैन, AC टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन, पाइपिंग लीड मैन, जनरल फॉरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए। और भी बहुत सारे जॉब्स है इसमें से। एक बार जो है आपके जॉब के हिसाब से रीड कर लीजिए रिक्वायरमेंट, उसके बाद में अप्लाई कीजिएगा जॉब के लिए। और डिप्लोमा हो या ITI होना चाहिए, SSC विथ मिनिमम 5 ईयर का, मैप के कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट पर एक्सपीरियंस होना चाहिए, गल्फ़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको इसमें से। ऑफिस का नेम ITL है, इंटरनेशनल ट्रेड लिंक्स, 1000+ रजिस्टर ऑफिस है। इनके ब्रांचेस बहुत सारे हैं, इंडिया में है, UK में, UAE में, सऊदी अरेबिया में, बहरीन में, खतर में, अफ्रीका में, बांग्लादेश में, नेपाल में। इंटरव्यू मुंबई में होगा इसमें। अप्लाई कीजिएगा जॉब के लिए, व्हाट्सअप कीजिएगा, व्हाट्सअप QR कोड भी है ऑफिस का। इंटरव्यू त्रिची में रहेगा 12 को। प्लम्बर 1800-200, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन 1800+200, इलेक्ट्रिशियन ITI होना चाहिए 1200+200, मैकेनिकल हेल्पर 1200+200, 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस के फील्ड पे। मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उनको ही प्रेफरेंस मिलेगा इसमें से। ये अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है, सऊदी अरेबिया के लिए रिक्वायरमेंट है। रिप्यूटेड कंपनी का जॉब है। ट्रायलर ड्राइवर सऊदी का लाइसेंस, डायना ड्राइवर सऊदी का लाइसेंस, मैकेनिकल इंजीनियर, पेपर मिल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, हेवी डीजल मैकेनिक, JCB ऑपरेटर, बॉबकैट ऑपरेटर, फोरलिफ्ट ऑपरेटर, आर्किटेक्चरल इंजीनियर। मेल आईडी है, कॉन्टैक्ट नंबर है, अप्लाई कर सकते हैं। 1000+ रजिस्टर ऑफिस है। एंड ये रिक्वायरमेंट जो है मेरी ऑफिस की रिक्वायरमेंट है, अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है सऊदी अरेबिया के लिए। रियाद में आपका जॉब का लोकेशन रहेगा। ये वीडियो सिलेक्शन रहेगा, सिर्फ आपका बाइक ड्राइविंग का वीडियो चाहिए इसमें से। सिलेक्शन आपका हो जाएगा within 1-2 days में, मतलब within a week में आपका सिलेक्शन हो जाए। उसके बाद में मैं आपको जब गम का मेडिकल करवाने के लिए बोलूँगा, आप गम का मेडिकल करवाएंगे, उसके बाद में मुफा आपका ऑनलाइन हो जाएगा इसमें से। अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, बाइक राइडर्स के लिए जॉब है। रियाद में आपका जॉब का लोकेशन रहेगा। जैसे जोमेटो स्विगी होगा ऐसे ही आपको जॉब करना पड़ेगा सऊदी में। जब आप एप्लीकेशन में ऑनलाइन रहते आपको ऑर्डर्स मिलते, ऑर्डर्स मिलने पर आप डायरेक्टली रेस्टोरेंट के पास जाके
जिस रेस्टोरेंट का ऑर्डर होता है उधर से पिकअप करके आपको कस्टमर तक लेके जाके देना पड़ता है। ऐसे जॉब रहेगा आपका लाइक जोमेटो स्विगी का सेम ऐसे ही। और 1600 सऊदी रियाल सैलरी मिलेगी आपको इसमें से। और GPS का नॉलेज होना चाहिए आपका, गूगल मैप्स का, राइडिंग का जो है अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिस किसी को भी जॉब के लिए इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन मेरा ऑफिस का जो है एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरे ऑफिस का नेम है और मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। सारा डिटेल सर्विस चार्ज के बारे में हो गया, प्रोसेस टाइम के बारे में, मतलब अप्लाई करना है प्रोसेस कैसे, सारे डिटेल आपको व्हाट्सअप में बता दूंगा। अर्जेंट रिक्वायरमेंट है इसलिए जल्द से जल्द मुझे व्हाट्सअप कर देना, फुल होने वाली है रिक्वायरमेंट। मिनिमम जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 ईयर्स का, अगर से एक्सपीरियंस नहीं है तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। डेली 15 टारगेट आपको करना पड़ेगा, 15 के ऊपर जब करेंगे आप टारगेट मतलब ऑर्डर्स जो है, उसके बाद में आपको एक ऑर्डर के ऊपर 10 रियाल तक कमीशन मिलेगा। बाइक ड्राइंग जो बाइक राइडिंग का वीडियो चाहिए कंपलसरी सिलेक्शन के लिए। और विथ गियर मतलब गियर की बाइक का आपका इसमें से जो है वीडियो चाहिए, मतलब थोड़े लोग स्कूटी का नॉर्मल विथआउट गियर बाइक का आप जो है वीडियो मुझे सेंड कर रहे हो ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। और फाइल्स भी सेपरेट मुझे सेंड कर रहे हो आप, PDF फाइल जो है, इसलिए PDF फाइल एक ही फाइल में चाहिए, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट रहते हैं आपके, CV हो गया, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हो गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हो गया, पासपोर्ट स्कैन कॉपी फ्रंट बैक, और आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट हो गया, फ़ोटो पासपोर्ट साइज वाइट बैकग्राउंड हो गया, मतलब जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रहेंगे आपको एक फाइल बना लेना है PDF फाइल, सेपरेट फाइल्स नहीं चलेंगे। एक फाइल बना के मुझे फॉरवर्ड कीजिए। कितने बार मैं आपको बताता हूँ फिर भी आपको समझ नहीं आता दोस्तों कि एक ही फाइल चाहिए मुझे PDF फाइल सिलेक्शन के लिए। और एक वीडियो चाहिए आपका, बाइक राइडिंग का वीडियो चाहिए, ये होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये जाके 21 से लेकर 39 तक अप्लाई कर सकते हैं इसमें से ही, ये जो है। और अकोमोडेशन मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा इसमें से, फूड आपको ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। 1600 में से इंक्लूडेड फूड रहेगा इसमें से। जल्द से जल्द अप्लाई कीजिएगा, डायरेक्ट सिलेक्शन का जॉब है। मेरे ऑफिस का नेम टेक्निकल शाहरुख मैन पावर सर्विसेज कंसल्टेंसी है, आंध्र प्रदेश में कड़पा सिटी में मेरी ऑफिस है। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है ये। डायरेक्ट बाइक राइडिंग जॉब के लिए कॉल करके पूछ सकते हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो भी रहेंगे डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। फर्स्ट मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा डॉक्यूमेंट, डायरेक्टली मैं आपको कॉल बैक करूँगा और मुझे जो है डिटेल पूछ सकते हैं जॉब के बारे में। एज 21 से लेकर 39 है, जल्द से जल्द अभी का भी अप्लाई कीजिए जॉब के लिए। कुछ भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ये अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है फॉर सी कार्गो कंपनी का जॉब है, ASI सी कार्गो कंपनी का जॉब है। ये कार्गो कंपनी इनकी दुबई में, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का काम है ये। लोडिंग अनलोडिंग हेल्पर के लिए रिक्वायरमेंट है 20 मेंबर्स के लिए, 1100 दिरहम सैलरी, 3 से लेकर 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम फील्ड का। अगर से आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो CV में मेंशन कर लेना। और दोस्तों आप डिमांड लेटर के हिसाब से आपकी CV जो है अपडेट करते रहना आप, मतलब फॉर एग्जांपल जो है मैं भी बता रहा हूँ ये डिमांड लोडिंग अनलोडिंग हेल्पर की, आपकी CV में फॉर एग्जांपल आपकी CV में दूसरा एक्सपीरियंस है, प्लम्बर का होगा, इलेक्ट्रिशियन का, कौन सा भी एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे सेल्स का होगा, कौन सा भी एक्सपीरियंस है, तो आप ये जॉब के लिए सूटेबल नहीं रहेंगे, आपकी CV ही शॉर्टलिस्ट नहीं होगी। इसलिए आप जो जॉब देखते हो वीडियोस में मेरे, वो जॉब के हिसाब से मिनिमम जो है डिमांड लेटर के हिसाब से आपकी CV को अपडेट करते रहना है आप, जब भी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। फ्रेशर कैंडिडेट को क्यों वो लोग सेलेक्ट करेंगे, CV शॉर्टलिस्ट क्यों करेंगे, आप ही बताओ दोस्तों। HR सेलेक्ट ही नहीं करेगा आपका कुछ भी, जो डॉक्यूमेंट से क्लाइंट सेलेक्ट नहीं करेंगे। इसलिए जो वीडियो में होता है डिटेल रिक्वायरमेंट का डिमांड लेटर में, उसी हिसाब से आपकी CV प्रिपेयर कर लेना, आपकी CV बना लेना, अपडेट करते रहना आप, ज़रूर आपका CV शॉर्टलिस्ट होगा, अपडेट करना आप। सेम ये तो डायरेक्ट सिलेक्शन, नॉर्मली मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा सिर्फ डॉक्यूमेंट्स डालते ही। ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए इसमें से और एडवांस लगेगा इसमें से, देते वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ये अप्लाई करने के लिए, मतलब अप्लाई करने के बाद वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये नॉन मुस्लिम ओनली अप्लाई कर सकते हैं, मुस्लिम कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों, नॉन मुस्लिम कैंडिडेट के लिए जॉब है, क्लाइंट जो है नॉन मुस्लिम कैंडिडेट को ही हायरिंग कर रहे हैं अभी। सेम फील्ड का एक्सपीरियंस ऐड कर लेना, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट आती है, जो भी आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते, फॉर एग्जाम्पल आपको इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है, एक्सपीरियंस है आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे,
तो आपको जॉब नहीं मिल रही है, आप सेल्स पर हो गए, अकाउंटेंट जॉब पर जाना चाहते हो, तो उसी हिसाब से सीवी अपडेट कर लेना और थोड़ा नॉलेज भी गेन कर लेना। आप गूगल पर जाके यूट्यूब पर वीडियो देख लेना, उसके बाद में आप इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। इसमें से इंग्लिश में लिखना पढ़ना बात करना आना चाहिए। और नॉन मुस्लिम कैंडिडेट अप्लाई कर सकते, 10 घंटे की ड्यूटी, बहुत ECR ECNR कैन अप्लाई, अदर बेनिफिट एज पर दुबई लेवल के हिसाब से मिलेगा। फूड नहीं मिलेगा, फूड इसमें से इंक्लूडेड है, फूड के लिए सेपरेटली नहीं मिलेगा आपको। फूड के लिए आपको खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। सिर्फ 1100 दिरहम आपकी सैलरी मिलेगी, रूम मिलेगा आपको रहने के लिए। डायरेक्ट सेलेक्शन का जॉब है ये, इंटरव्यू नहीं, CV सेलेक्शन भी नहीं, डायरेक्ट सेलेक्शन है। मतलब आपका ओरिजिनल पासपोर्ट विथ PDF फाइल, डॉक्यूमेंट्स एंड एडवांस पेमेंट लगेगा, वो सब दो गेम मुझे, जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने मांगा है वो सब डॉक्यूमेंट लगेंगे। आप डॉक्यूमेंट देने के बाद में डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा, डायरेक्ट सेलेक्शन है ये। उसके बाद में आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आ जाएगा। और मेडिकल में डाउट है तो आप प्री मेडिकल करवा सकते हैं आपकी सिटी से। जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले आपको भी बेनिफिट रहेगा, एक प्री मेडिकल आप करवा लेना, जो भी गल्फ के लिए यूरोप के लिए ट्राई कर रहे हो बोल के एक बार जो है प्री मेडिकल करवा लेना आपके सिटी से, उसके बाद में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो आप। जल्द से जल्द व्हाट्सअप कीजिएगा अप्लाई करने के लिए। ये अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है दोस्तों, पोलैंड के लिए रिक्वायरमेंट है, इसका अपकमिंग रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट आने वाली है। इसका इंटरव्यू ऑनलाइन रहेगा, लेकिन इंटरव्यू कब होगा ये फिक्स डेट नहीं है। इंटरव्यू कभी भी हो सकता है, 2 मंथ्स के बाद भी, 1 मंथ के बाद भी, 15 डेज के बाद भी हो सकता है, 2 वीक्स के बाद में हो सकता है, मतलब इंटरव्यू कभी भी हो सकता है, फिक्स डेट नहीं है। इसके ऊपर आप डिपेंड मत रहना। मतलब जिस किसी को भी अर्जेंट अभी जॉब की ज़रूरत नहीं है, इन फ्यूचर अभी 6 मंथ्स के बाद में, 8 मंथ्स के बाद में जाना चाहते हो, मतलब प्रोसेस कितना भी लेट हो, आप यूरोप के लिए ट्राई कर रहे हो, आपको अर्जेंट जॉब की ज़रूरत नहीं है, तो ये ट्राई कर सकते हैं आप। अपकमिंग रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट आने वाली है, लेकिन इसका इंटरव्यू कब होगा ये कन्फर्म फिक्स डेट नहीं है। इंटरव्यू होगा ज़रूर इसका, लेकिन इंटरव्यू कब होगा ये फिक्स डेट नहीं है, अभी फिक्स डेट नहीं आई हुई है। आप अप्लाई कर सकते हैं ये जॉब के लिए। ये जॉब के लिए सिर्फ मुझे जो है PDF फाइल में डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको ओरिजिनल पासपोर्ट की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ PDF फाइल में डॉक्यूमेंट चाहिए आपके। वो भी डॉक्यूमेंट्स जो है आपकी यूरोपा CV चाहिए मुझे। यूरोपा CV में भी आपका मिनिमम जो है वेयर हाउस हेल्पर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम जो है 4 ईयर का एक्सपीरियंस आप ऐड कर लेना। मतलब किधर भी इंडिया में किधर भी जॉब का जो है जो भी कंपनी का आप ऐड कर सकते हो उसमें से, और जो वेयर हाउस के जो है जॉब के डिस्क्रिप्शन के बारे में रीड कर लेना। इसका मॉक इंटरव्यू चल रहा है, ऑफिस के थ्रू मॉक इंटरव्यू चल रहा है इसका, लेकिन डायरेक्ट क्लाइंट इंटरव्यू जो है उसका डेट अभी फिक्स नहीं किया गया है। तो ये जॉब के लिए आप जो है अर्जेंट रिक्वायरमेंट नहीं है, ये प्रोसेस लेट होगा, सारा डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। अभी सिलेक्शन का प्रोसेस ही नहीं चल रहा है, सिर्फ मॉक इंटरव्यू चलेगा ऑफिस के थ्रू, मैन पावर एजेंसी के थ्रू। आपका CV शॉर्टलिस्ट होगा, उसके बाद में आपका इंग्लिश टेस्ट रहेगा। मतलब आप मॉक इंटरव्यू में आप इंग्लिश में कैसे बात कर दो क्या है बोल के नॉर्मल एक मॉक टेस्ट रहेगा। उसके बाद में आपका CV शॉर्टलिस्ट होता है तो क्लाइंट के साथ में इंटरव्यू रहेगा। उसके बाद में इंटरव्यू होने के बाद में भी जब आपका सिलेक्शन होता है, ऑफर लेटर आता है, तो उसके बाद भी प्रोसेस जो है 5 से लेकर 6 मंथ्स के ऊपर लगेगा प्रोसेस। क्लैरिटी से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यूरोप का काम जो है बहुत लेट होता है, इसलिए आप जो है इंडिया में कोई जॉब कर रहे हो तो यूरोप के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। अभी आपका कोई जॉब नहीं है तो ये ट्राई मत करना, आप गल्फ के लिए ट्राई करना, गल्फ का प्रोसेस जल्द से जल्द हो जाता है। ये जॉब के ऊपर ही डिपेंड मत रहना, मैं क्लैरिटी से आपको बता रहा हूँ। अगर से लेट होगा तो भी आप जो है वेट कर सकते हो बोल के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ मुझे PDF फाइल में डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके बाद में आपका सिलेक्शन होने के बाद में जब आपका इंटरव्यू होता है, ऑफर लेटर आता है, उसके बाद में पेमेंट, स्टेप बाय स्टेप पेमेंट रहेगा। पेमेंट प्रोसेस के बारे में आपको बताऊँगा आप व्हाट्सअप करेंगे तो, और सर्विस चार्ज के बारे में मैं आपको बताऊँगा। ये ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हैं जॉब के लिए। इंटरव्यू ऑनलाइन रहेगा, क्लाइंट के साथ में इंग्लिश अच्छा आना चाहिए, मिनिमम 10th क्लास पास होकर होना चाहिए, 10th की सर्टिफिकेशन होना चाहिए आपके पास, इंग्लिश में अच्छा बात करना आना चाहिए आपको। पोलैंड के लिए लॉजिस्टिक कंपनी का जॉब है, पोलैंड के अंदर इनकी कंपनी है, वेयर हाउस हेल्पर। सैलरी 1000 यूरोस में रहेगी, अप्रॉक्सीमेट सैलरी इंडियन करेंसी में 90,000 तक बन जाएगी। और मर्चेंडाइजर इज़ प्रॉपरली सिक्योर। जो भी जॉब का रोल है इधर, जॉब का डिस्क्रिप्शन है, आप रीड कर लीजिएगा एक बार अच्छे तरह से, पॉइंट टू पॉइंट अप्लाई कीजिएगा जॉब के लिए। लंच मिलेगा आपको ड्यूटी के टाइम पे। ये जाके 21 से लेके 50 दी गई है।
अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा आपको कंपनी की तरफ से, और एक कॉन्ट्रैक्ट जो है 1 ईयर का रहेगा, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूएबल रहेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होगा आपका, इसमें से रिन्यूअल होगा, अगर से नहीं तो आप कंपनी भी दूसरी कंपनी चेंज कर सकते हैं। मतलब यूरोप कंट्रीज़ में गल्फ़ के जैसा, मतलब 2-3 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होकर उधर ही काम करने की ज़रूरत नहीं है, 1 ईयर के बाद में आप कंपनी से परमिशन लेके आप दूसरी कंपनी भी चेंज कर सकते हैं, ना तो एक कंपनी में कंटिन्यू जॉब कर सकते हैं। 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट जो है रिन्यूएबल रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है रिन्यूअल होगा 1 ईयर के बाद में। मेरा ऑफिस का नेम है, मेरा ऑफिस जो है आंध्र प्रदेश में कड़प्पा सिटी के अंदर ऑफिस है। ओके दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल है, ऑफिस का नेम, ऑफिस का डिटेल मेंशन किया हुआ है, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और दोस्तों, ये डिमांड लेटर के हिसाब से आप CV अपडेट कर लेना, नहीं तो आपकी CV शॉर्ट लिस्ट ही नहीं होगी। इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे मैं आपको एक बार बताता हूँ, ध्यान से सुन लेना आप डॉक्यूमेंट के बारे में। आपकी CV जो है यूरोपा CV होनी चाहिए, अगर से आपको यूरोपा CV नहीं बनाना आता तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपकी यूरोपा CV बना के दे दूँगा। अगर से आप खुद से बना सकते हैं तो यूट्यूब पे वीडियो देखकर आप खुद से भी बना सकते हैं यूरोपा CV, ईजी है बनाना, कुछ भी नहीं, यूट्यूब पर देख के आप बना सकते हैं यूरोपा CV, ईजी मेथड है। सिर्फ एक वेबसाइट आता है europacv.com बोल के, उसमें जाके आप किसी भी आप बना सकते हैं। यूरोपा CV में जो है मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस आपका वेयर हाउस का होना चाहिए, 4 ईयर्स का नहीं तो 2 ईयर्स का वेयर हाउस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंडिया का कौन सी भी कंपनी का ऐड कर सकते हो आप, जैसे कौन सी भी कंपनी वेयर हाउस की इंडिया के अंदर, किधर भी आप मुंबई में, दिल्ली में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में, किधर भी जॉब किए हो बोल के CV में मेंशन होना चाहिए, और एक अच्छी बढ़िया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लेना। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में जो डेट्स होते हैं वो भी सेम डेट्स जो है CV में होने चाहिए, और जो CV में 2 ईयर्स का 4 ईयर का कितना भी एक्सपीरियंस होता है वो सेम जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में होना चाहिए, दो भी मैच होना चाहिए, तो आपका CV शॉर्टलिस्ट होगा। उसके बाद में आपका इंटरव्यू रहेगा। ये और दोस्तों, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, सारे डिटेल मैं आपको समझा दूंगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, डॉक्यूमेंट आपके एक PDF फाइल में ही फॉरवर्ड करना, इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा आपके लिए। और स्टेप बाय स्टेप पेमेंट रहेगा, ये मतलब इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद में ऑफ़र लेटर आएगा, ऑफ़र लेटर के टाइम पर पेमेंट करना पड़ेगा, वर्क परमिट आने के बाद में पेमेंट, थोड़ा पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद में स्टैंपिंग के टाइम पर, मतलब स्टैंपिंग के टाइम पर थोड़ा पेमेंट लगे, स्टैंपिंग होने के बाद में टोटल फ्लाइट के टाइम पर पेमेंट करना पड़ेगा। ये ऐसा स्टेप बाय स्टेप पेमेंट है। सिलेक्शन होने के बाद में पेमेंट के बारे में सारा डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो है डिटेल चेक कर लेना एक बार, आप अप्लाई कर देना जॉब के लिए, आपको जो है यूरोप जाना चाहते हो तो। लेट प्रोसेस है लेकिन इंटरव्यू तो कंफर्म होगा, ये आप जो है वेट कर लेना अभी जॉब के लिए। अगर से अर्जेंट जाना चाहते हो तो मेरे पास गल्फ़ के लिए, सऊदी के लिए जॉब है, बाइक राइडर्स की जॉब है, और भी बहुत सारे अर्जेंट मेरे पास जॉब चलते रहते हैं, बहुत सारे मेरे ऑफिस में जॉब्स है। मैं मेरे ऑफिस की जो है सेपरेट वीडियो नहीं बना रहा हूँ, सॉरी, मेरी ऑफिस की सेपरेट वीडियो मैंने 2 डेज से नहीं बनाई है, बहुत सारे जॉब्स है, कितने वीडियोस बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। और मेरी सेपरेट ऑफिस की वीडियो बनाऊँगा तो व्यूज भी नहीं आ रहे, तो इसलिए मेरी सेपरेट ऑफिस की वीडियो बनाऊँगा, लेकिन एक ही टाइम बनाऊंगा, अच्छे अच्छे रिक्वायरमेंट देखकर बनाऊंगा। है अभी तो बहुत सारे जॉब्स है लेकिन इतने वीडियोस बनाने का कोई मतलब नहीं है। जो कोई भी मेरे ऑफिस के थ्रू प्रोसेस करवाना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, और मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड करूंगा, सारा डिटेल आपको व्हाट्सअप पर मिल जाएगा। जिस किसी को भी मेरे पर ट्रस्ट है, भरोसा है, तो ही मेरे पास जॉब के लिए अप्लाई करना। दोस्तों बहुत सारे मल्टीपल जॉब्स है मेरे पास भी, मतलब आपको कौन सी जॉब चाहिए वो जॉब मेरे पास अवेलेबल है अभी, मल्टीपल जॉब्स है मेरे पास, जैसे कार ड्राइवर्स के जॉब्स है, और इंजीनियर्स के जॉब चल रहे हैं अभी, और बाइक राइडर्स के जॉब्स है, वेयर हाउस हेल्पर्स के जॉब्स है, बहुत सारे ग्रुप में अपडेट्स करते रहता हूँ मैं जॉब्स की डिटेल। मेरी सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप है, उसे सेपरेट मेरी ऑफिस के रिक्वायरमेंट जो जो आते हैं वो रिक्वायरमेंट मैं पब्लिश करते रहता हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा मुझे, व्हाट्सअप कीजिएगा, व्हाट्सअप करेंगे तो ग्रुप में ऐड कर दूंगा।
क्योंकि दोस्तों मेरे कोई स्टाफ नहीं है, मैं ही हैंडल करता हूँ, मैं ही पर्सन हूँ हैंडल करने के लिए। यूट्यूब में वीडियो बनाना पड़ता है, सॉरी कुछ लोगों को रिस्पांस नहीं मिल रहा है, कॉल बैक नहीं कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पर भी थोड़े लोगों को रिप्लाई नहीं मिल रहा है, इसी बात पर मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि मेरा ये नंबर जो है मेरा पर्सनल नंबर है, और ये नंबर पर जो है बहुत सारे इतने कॉल्स आते हैं, मेरा मोबाइल ही हैंग हो गया है, स्टोरेज भी मेरा मोबाइल में फुल हो गया है, और समझ में नहीं आ रहा कितने कॉल्स आ रहे हैं। तो डायरेक्ट कॉल करने पर एक एक को कितना समझा सकता हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है समझा के कैंडिडेट्स को, जो मेरे सब्सक्राइबर्स को। तो आप व्हाट्सएप पर मुझे बोलेंगे, व्हाट्सएप पर आप मुझे आपके डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करेंगे, तो आपकी सूटेबल जॉब देखकर मेरे पास जो डिमांड है वो फॉरवर्ड करके व्हाट्सएप में मैं सर्विस चार्ज के बारे में सब डिटेल वॉइस ओवर कर दूंगा आपको। डायरेक्ट कॉल करेंगे तो भी आपको डिटेल नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे भी चेक करना रहता है डॉक्यूमेंट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट क्या क्या है मेरे पास बोल के, उसका सर्विस चार्ज क्या है बोल के मुझे चेक करना होता है। बहुत सारे बल्क में रिक्वायरमेंट चल रहे होते हैं मेरे पास, इसलिए मुझे भी चेक करना होता है क्या क्या रिक्वायरमेंट मेरे पास चल रहे बोल के। वो चेक करके डिमांड लेटर, मतलब आपकी सीवी के हिसाब से मुझे चेक करना होता है मेरे पास आपकी सीवी के मैचिंग जॉब्स को से बोल के, उसके बाद में आपको डिटेल मैं बताता हूँ। डायरेक्ट कॉल करेंगे तो भी, मेरे से बात करेंगे तो भी आपको डिटेल नहीं मिलेगा, मैं यही बताऊँगा कि व्हाट्सएप पर आपको अपडेट मिलेगा बोल के। तो डायरेक्ट कॉल करने का कुछ जो है मतलब नहीं है, सिर्फ मैं बात कर सकता हूँ आपसे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो है दोस्तों मेरी स्टाफ नहीं है, मैं एक ही पर्सन हैंडल करता हूँ। यूट्यूब पर वीडियोस बनाना होता है, मेरे टू चैनल्स है, तेलुगु लैंग्वेज का भी मेरा चैनल है और एक दूसरा चैनल है, उसमें मैं वीडियोस बनाता हूँ। टू चैनल में वीडियोस बनाना पड़ता है, फिर आके जो रिक्वायरमेंट होते हैं डेली अपडेट्स असाइनमेंट अब्रॉड टाइमिंग्स के, वो कंसल्टेंसी कोर्स ही क्या है बोल के वो चेक करके मैं वीडियो बनाता हूँ। डायरेक्टली ऐसे ही वीडियोस नहीं बनाता हूँ दोस्तों, मैं उसके रिव्यूज़ पहले मैं भी चेक कर लेता हूँ, मैं चेक करके ऑफिस कैसी क्या है बोल के, उसके बाद ही मैं जो है वीडियो बनाता हूँ। वो भी रिसर्च करना पड़ता है ऑफिसर्स के बारे में, ऑल ओवर इंडिया के जो ऑफिसर्स है असाइनमेंट अब्रॉड टाइमिंग्स के जॉब्स होते हैं, वो भी मैं रिसर्च करता हूँ, उसके लिए भी टाइम जाता है, बहुत सारा जो टाइम ही नहीं जो है मुझे मिल रहा है आपसे बात करने के लिए। कुछ लोगों को रात को रिप्लाई मिलता है, मतलब मैं घर पर जाने के बाद में कुछ लोगों को रिप्लाई देता हूँ, इधर ऑफिस के पास ही बहुत सारे लोग आते हैं बात करने के लिए, इसलिए टाइम ही नहीं मिल रहा है मुझे। इधर लोकल के लोग भी बहुत सारे आते हैं, और मेरा दूसरे चैनल से बहुत सारे कॉल्स आते हैं, इसलिए आप व्हाट्सअप करने के टाइम पे आपका नेम बताना, आप कौन से सिटी से हो और आप कौन से चैनल से वीडियो देखे हो ये भी प्लीज़ बताना मुझे, क्योंकि मेरा दूसरा चैनल भी है, मैं जो कन्फ्यूज़न हो रहा हूँ, मेरा लोकल चैनल है इधर का भी। तो इसके लिए दोस्तों आप जो है मुझे व्हाट्सअप करने के टाइम पर प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, व्हाट्सअप ही करना आप ज़्यादातर, व्हाट्सअप कीजिएगा आप, व्हाट्सअप पर एक वॉइस मैसेज भेज देना, नहीं तो टाइपिंग करके बता देना मुझे कौन सी जॉब के लिए सर्च करें बोल के, उसके हिसाब से मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा आपके लिए, प्रेजेंट सऊदी के लिए बाइक राइडर्स के जॉब से। जिस किसी को भी इंटरेस्टेड है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, वो विद इन 30 डेज में प्रोसेस हो जाएगा उसका। जो कोई भी इंटरेस्टेड है तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए, उसका सर्विस चार्ज के बारे में बताऊँगा मैं। और दोस्तों सही में आपको थोड़ी सी भी मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना हमारे वीडियोस को, और शेयर ज़रूर कीजिएगा हमारे वीडियोस को। वीडियो देखते लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक नहीं करते हो आप, लाइक करने से मैं मोटिवेट होता हूँ और भी अच्छे जॉब्स की वीडियोस मैं लाऊँगा इंशाल्लाह, ट्राई करूँगा मैं और भी अच्छा रिसर्च करूँगा और भी बहुत सारे जॉब्स के वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। लाइक तो पक्का कीजिएगा, वीडियो देखते ही लाइक कर देना आप, ओके कॉमेंट कर लेना आप, एक अच्छा सा कमेंट कर लेना। वीडियो तो देखते हो, जितने लोग वीडियो देखते हो उसमें से एक दो मेंबर्स ही कमेंट करते हैं, मतलब ज़्यादातर कमेंट नहीं, जितने भी लोग देखते हो सिर्फ एक कमेंट करने से आपका क्या होता है, सिर्फ एक कमेंट कीजिएगा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, इतने लोग मेरी वीडियो देखते हैं पसंद करते हैं बोल के, सिर्फ एक कमेंट कर लेना, कमेंट में बता देना वीडियो आप, मतलब आपका जो है आपका जो भी ओपिनियन है वो बता देना मुझे व्हाट्सअप पर, वही कमेंट में बता देना, मतलब आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी ख़राब लगी, क्या आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा क्या लगा, मतलब कमेंट में आप बता देना मुझे। और दोस्तों व्हाट्सअप कीजिएगा, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स है मेरे पास भी, फ्रेशर के लिए भी, एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए भी, दुबई के लिए P1 के जॉब्स चल रहे हैं मेरे पास, बैंकिंग के जॉब्स। व्हाट्सअप करेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड करूँगा,
उसके बाद में प्रोसेस करा सकते हैं। जो भी जेन्यून पर्सनस है, जो भी जेन्यून कैंडिडेट्स है, जेन्यून पर्सन है, वो ही मुझे जो है व्हाट्सअप करना, मैं ग्रुप में ऐड करूँगा आपको। ओके दोस्तों, तो वीडियो कैसी लगी आपको आज की स्टीडियम बस इतना है दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना दोस्तों। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।